नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक। और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी एक ट्वीट की वजह से निशाने पर आ गए हैं। दरअसल राजद और कांग्रेस के विधायकों के खिलाफ उन्होंने एक ट्वीट किया था, जिसके बाद अब वो बुरी तरीके से फंस गए हैं। कांग्रेस ने इस पर संज्ञान लिया है और उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए पुलिस के पास आवेदन भी दे दिया है, साथ ही साथ लीगल नोटिस भी भेज दिया है। पहले आप वो ट्वीट पढ़िए जिसको लेकर ये बवाल शुरू हो गया है। सुशील कुमार मोदी का ये ट्वीट आप देख सकते हैं। उन्होंने लिखा है, कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन से उत्पन्न संकट के समय भाजपा जदयू के सभी विधायकों ने अपना एक एक माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया। राजद और कांग्रेस के विधायकों ने राहत कोष में एक पैसा भी नहीं दिया, बल्कि विधायक निधि से 50 लाख रुपए देने का विरोध कर अपनी संवेदनहीनता उजागर की। साथ ही साथ इस ट्वीट के बाद अब सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस पर संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ लीगल नोटिस भेज दिया है, साथ ही साथ पुलिस के पास भी एक आवेदन दिया गया है ताकि उनके खिलाफ FIR दर्ज हो सके। आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर इसकी छाया प्रति है। आप पढ़िए कि किस तरीके से नोटिस में किस बात का जिक्र किया गया है। प्रेमचंद मिश्रा जो कि MLC हैं कांग्रेस के, उन्होंने इस नोटिस को भेजा है। उन्होंने कहा है कि सुशील कुमार मोदी जो ट्वीट कर रहे हैं वो आधारहीन है, और उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस के सभी विधायकों ने न सिर्फ अपना वेतन दिया है, बल्कि सभी ने कोरोना उन्मूलन फंड में अपनी ऐच्छिक कोष से 50 लाख का योगदान दिया है। उसके बाद अगर उप मुख्यमंत्री इस संबंध में झूठा बयान और ट्वीट करते हैं तो मुख्यमंत्री सचिवालय को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से यह भी आग्रह किया है कि महामारी से लड़ने के समय किसी के भी योगदान को सिरे से नकारने वाले उप मुख्यमंत्री को नसीहत दें कि ऐसा कोई बयान न दे जिससे सरकार की छवि और मंशा पर लोगों को संदेह होने लगे। वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि सुशील कुमार मोदी जो ट्वीट किए हैं यह एकदम आधारहीन है, और पहले इसको साबित करें कि कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के विधायकों ने कोई सहायता राशि नहीं दी है। अगर साबित नहीं कर पाते हैं तो उन्हें माफी मांग लेनी चाहिए। तो सियासत काफी तेज है। देखने वाली बात होगी कि इसको लेकर और क्या कुछ होता है। एक ट्वीट और फिर सियासत शुरू। देखते रहिए क्या कुछ नए अपडेट्स आते हैं आप तक। सबसे पहले हम पहुंचा रहे हैं, आपने अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।